नंबर एट क्वेश्चन इज सेइंग एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है जो 45 से ज्यादा है। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। 45 से कोई बड़ा एंगल बताओ, सम ग्रेटर एंगल। 46 सबसे छोटा ले लेते हैं ना। एन एंगल ग्रेटर देन 46, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 और लेस देन 45। तो पहले 46 का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, हमने पहले पहले वीडियो में भी देखा था, है 90 ना। तो क्या होगा 44। अब बताओ ये क्या है, ग्रेटर देन 45 और लेस देन 45। सर। आंसर समझ में। ये सर इसमें मतलब होगा ये होगा 45 है तो लेस देन 45 है तो इसका मतलब 45 वो 90 को 45 से माइनस करेंगे आंसर आता है तो 45 वो इक्वल होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर आपको याद हो तो, सम जब दोनों का सम ऑफ 90 होता है, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब हो गया एकदम सेंटर से, ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों में से एक एंगल जो है वो 45 से ज्यादा हो गया। अगर ये एंगल 45 से ज्यादा हो गया, सर दूसरा एंगल 45 से छोटा हो जाएगा। यस नो, यस नो। यस तो बस यही उसने पूछा था। या आपको कैसे करके दिखाना है, आपको ऐसे करके दिखाना है। लेट एंगल बी 46 डिग्री। लेट क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ द एंगल, दैट्स व्हाई लेट। लेट एंगल बी 46 डिग्री। मैंने 46 क्यों लिया, मैं 47 भी ले सेकंड सकता हूँ, 48 भी ले सकता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ, 60 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले बस सकता उसे हूँ। ज्यादा होना चाहिए 45 से ज्यादा होना चाहिए। मैंने सबसे छोटा ले लिया, लेट एंगल बी 46 डिग्री। तो ये मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, 90 माइनस 46, 44 होगा, विच इज लेस देन 45। यस या नो, यस यही क्वेश्चन पूछा था उसने। क्या क्वेश्चन पूछा था देख लेते हैं और एक बार। सर उसने पूछा था इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 और लेस देन 45। मुझे तो आंसर इज लेस देन 45, ठीक है। तो करके देखा करो, ऐसे तुक्के मत मारा करो। पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, कॉपी कर लो इसको।